केस हिस्ट्री पढ़ने के बाद जो समझ में आया उससे उसको इंटेंसिव थेरेपी देना ही पड़ेगा। आपको जो सही लगे आप वही कीजिए, दीदी बहुत वल्नरेबल कंडीशन में है अभी। देखिए इस सिचुएशन में फैमिली सपोर्ट ही मेन है, और ये एक महीना तो उससे कम से कम मम्मी की ड्यूटी से छुट्टी देना ही पड़ेगा। मतलब मिनी किसके पास रहेगी? मुझे कुछ ज्यादा ही शुगर और आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है। तो बेबी सीटर रखना पड़ेगा माँ। क्यों, मिनी का तो एक मौसी भी है ना। मेरा जीजा जी ना एक जानवर है, अगर उसको भनक भी लगे ना तुरंत वकील के नोटिस भेज के मिनी को ले जाएगा। काम डाउन डार्लिंग, बस कुछ ही हफ्ते की तो बात है, और मिनी तेरे साथ रहेगी तो अच्छी रहेगी। तुझे पता है कि एक असाइनमेंट से मेरा एंजाइटी इतना बढ़ जाता है, और ये तो एक इंसान का रिस्पांसिबिलिटी लेना। लेकिन तुम्हारा बॉन्डिंग तो बहुत अच्छा है। सो व्हाट? मुझे उसका फेवरेट बैंड पता है लेकिन ब्लड ग्रुप नहीं पता। उसे शवरमा पसंद है पता है मुझे, लेकिन ब्रेकफास्ट में क्या पसंद है ये नहीं पता मुझे। सोचिए एक हार्ड असाइनमेंट है, मैनेज हो जाएगा। 8-10 ड्रेस बनाना और एक बच्चे को संभाल लेना एक है। मिनी के बारे में सोच प्लीज डिस्काउंट। क्या सोचूं मैं उसके बारे में, मिनी को थोड़ी पता उसका मौसिक लूजर है। मुझे तो मैगी भी नहीं बनानी आती है। एवरीथिंग विल बी फाइन, इट्स ओके। तू अच्छा करेगी, ट्रस्ट मी। होप सो। जाओ स्कूल जाना है। क्या हो, उठो। आज तबीयत ठीक नहीं लग रही है, बंक कर लो। एक थप्पड़ लगाऊंगी तुम्हें। आज डबल पीरियड हिस्ट्री है, वो तो एक टॉर्चर। डबल पीरियड हिस्ट्री नहीं, आज तुम्हारा मैथ्स है, और मैथ्स में तुम जीरो हो। उठो। क्यों, मैं मैथमेटिशियन बनने वाली हूँ, बस 5 मिनट। उठ जाओ। रुको फिर, ये देखो मेरे हाथ में पानी है, अभी फेंक दूंगी। उठो 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 उठो, बहुत देर हो गई, उठ जाओ मेरी माँ। उठो 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 उठो। लो खा लो। चीज ऑमलेट खाना है मुझे, बोला तो। उतना अनहेल्दी खाना नहीं मिलेगा, स्मूदी बोल मिल सकता है, चलेगा? फूड पॉइजनिंग होने से लोग ये खाते हैं, ये पेशेंट का खाना है। भूखा पेट स्कूल जाना है। चॉकलेट नहीं है, चॉकलेट दो ना। इतना तंग क्यों करते हो तुम, खाना है तो खाओ नहीं तो मत खाओ, मेरा शूटिंग है सर मत खाओ। ये सब खाने से रेड किल खाना बेहतर है। रेड किल ही समझो और ये खाओ। खाया है कभी रेड किल? खाओ जल्दी खाओ। सिर्फ ड्रॉप करने से नहीं होगा, आपको जरा मेरे साथ आनी पड़ेगी। मतलब? वो दो सब्जेक्ट का प्रोजेक्ट सबमिट नहीं की, इसलिए गार्जियन कॉल है। मिनी? अब तुम्हारे साथ मेरा भी क्लास लेगा। आपकी दीदी की सिचुएशन अनफॉर्चुनेट, आई कंप्लीटली सिंपथाइज। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, पर आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। लेकिन मित्तिकर इंडिसिप्लिन हम बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे।
मृतिका, हाँ, मुझे उसका पूरा नाम याद ही नहीं रहता। एक प्रॉब्लम चाइल्ड को तभी हैंडल किया जा सकता है जब वो थोड़ा बहुत बात मानने के लिए तैयार हो। एक्चुअली मेरे लिए तो चाइल्ड ही प्रॉब्लम है, और अचानक से ऐसे एक बच्चे की जिम्मेदारी मुझ पर। घर पे उसको जरा सा भी डांटते नहीं हो ना, लाड़ प्यार से बिगड़ रही है। आज से मैं वही करूंगी, लेकिन पर अभी बातों बातों में बहुत टाइम निकल गई। और रेनिया, एक्सक्यूज मी, आपको मिनी को जो सजा देना है दीजिए, पर मुझे और डिटेन मत कीजिए प्लीज। ओहो, ध्यान ही नहीं दिया, 12 बज चुके हैं। बहुत पहले, मैं अब चलूं। नमस्ते। शराफत बोल के भी एक वर्ड होती है मैडम, लास्ट 2 घंटे से वेट कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप लोग ही क्लाइंट है। एक्चुअली एक प्रॉब्लम हुआ है उनकी। सॉरी, गुड मॉर्निंग। मेरी बेटी नहीं, असल में मेरी दीदी की। नमस्ते। दीदी की बेटी। हाँ। अच्छा जोक था, ये सब सुना के मुझे बुद्धू मत बनाओ। आपने पूरा अज्यूम कर लिया। लिसन, माँ सभा गुप्ता की तरह सेलिब्रिटी डिजाइनर भी हम लोगों को बिठा के नहीं रखते। आपकी इतनी जरूरत, इतनी देर तक बिठा के रखे है, क्या सोच? What? Hello? No, what? It's an emergency. Disgusting. मजाक कर रही थी मैडम, बच्ची है, कुछ तो हंसी मजाक करेगी, दैट इज नॉर्मल। उसके लिए ऐसे जानवर की तरह कौन लैंग्वेज। प्लीज इस तरीके का ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज मत कीजिए। ऑफेंस की बात कर रही है मैडम, मैं सही से बात कर रही हूँ और आपको ऑफेंस लग रही है। स्कूल के सामने स्ट्राइक करवा दूंगी अगर मेरी बच्ची को फ्रैक्चर हुआ ना। सुनिए, आप ऐसे मुझे थ्रेट नहीं दे सकते। मुझे पता है कि मिनी के बहुत सारे गलती हैं, पर व्हाट इज दिस? ऐसे बोलते हैं? दिमाग को शांत कीजिए, डोंट गेट पर्सनल। पर्सनल तो हम बाद में देख लेंगे, पर अगर दूसरों के मामलों में ना घुसाओगे तो टूटेगा ही। चलती हुआ, थैंक यू। चलो मिनी, इससे ज्यादा बहस नहीं कर सकती। मिस लाहिड़ी, ये सब क्या था? कौन से बुक पढ़ रही हो, कहाँ से मिला ये? तेरी उम्र हुई है पढ़ने की, शैतान लड़की। अच्छा, तुम कब से ऐसे कूल मौसी से सेंसर बोर्ड बन गए? सुनो, अगर तुम्हें कुछ हुआ ना, सब आके मेरे सर पे चढ़ेगा, और वैसे भी ये सारी लाहिड़ी फैमिली मुझे ही जज करते हैं। सेम पिंच ब्रो, नानी कैसी है? मैं तेरी ब्रो नहीं हूँ, मौसी। दीप है। लगता है दाल में कुछ काला है। अब जल्दी से बोल दीजिए, उम्र कितनी है तुम्हारी? मेरे पर्सनल मैटर में मत घुसो, हाँ? शैतान लड़की। सो जाओ। टन टन, ये लो, पहले फोटो खींच लो। तुम्हारी जनरेशन तो पहले फोटो खींचते हैं फिर खाते हैं। चलो। ये क्या है? नौटंकी मत करो, तुम्हारी फेवरेट ब्लूबेरी चीज केक। आज आप अपना डाइट छोड़ के चीज केक बनाए? आज मेरा चीट डे है, थोड़ा सा ही खाऊंगी। मुझे मक्खन लगाने से कोई फायदा नहीं बॉस। मतलब इतना मेहनत किया मैंने? पापा भी हर बार बिना मतलब डांटने के बाद ऑनलाइन से कोई भी गिफ्ट खरीद देता था, सोचता कोई नई गैजेट मिलने से मेरी रोना बंद हो जाए। सुनो, मैं तुम्हारे पापा भी नहीं हूँ, माँ भी नहीं। ये सारे चीज मेरे कंधे पे अचानक से आ गई। तुम्हें अगर तुम्हारे मौसी के साथ रहने में इतना प्रॉब्लम है? नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे पता है, बाकी के तरह मैं आपके पास भी एक बर्डन हूँ। सो ये सब प्लीज मत करो मौसी, फेक लगता है।